भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर निजी हॉस्पिटल के बाहर महिला का शव रखकर दिया जा रहा है धरना। हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजन कर रहे हैं हंगामा। इक्कीस जनवरी को प्रसव पीड़ा होने पर निजी अस्पताल लाई गई थी गर्भवती महिला। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बिगड़ गई थी महिला की हालत। परिजनों का आरोप, प्रबंधन ने मरीज को देर से किया रेफर। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में उपचार के दौरान कल हुई महिला की मौत। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। आपकी पत्नी थी ये? जी। तहरीर दे दी पुलिस में? जी दे दी थी। अच्छा अच्छा। सुनवाई नहीं हुई थी, सुनवाई नहीं हुई और धमका के भगा दिया गया हमको। मृतक प्रीति के शव को निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे परिजन। हॉस्पिटल के गेट पर शव रखकर सैकड़ों लोगों के साथ मृतिका के परिजन दे रहे हैं धरना। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित न्यूटिमा हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का मामला। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? क्या मामला होगा? यहाँ बैठी हुई हैं आप, डेड बॉडी रखी हुई है? यहाँ बैठी हुई है, यहाँ मेरी लड़की का लड़का पैदा हुआ, ब्लड बंद नहीं हुआ। अच्छा। नहीं तो हुआ मेरी लड़की को पैदा। अच्छा। नहीं तो पैदा, उन्होंने डॉक्टर नहीं लगाई, उन्होंने कही कहीं तो ब्लड बंद है, कोई किसी ने नहीं किया, डॉक्टर नहीं लेकर पड़ी हुई है। बाद में कही मेरी इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध हैं। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।